हम अपना खुद का एक फेसबुक अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। क्या फ्रेंड्स आपके पास भी फेसबुक का अकाउंट नहीं है, फेसबुक आईडी नहीं है, तो आप लोग भी जो है अपना खुद का एक फेसबुक अकाउंट या फिर खुद का जो प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जो है कंटिन्यू जरूर वॉच करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को यही बताया कि आखिरकार जो है फेसबुक जो है शुरू से किस तरीके से बनाया जाता है। मतलब फ्रेंड्स अगर आप लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट नहीं है, फेसबुक आई डी नहीं है और अगर आप लोगों को बनाना सीखना है तो यार कुछ नहीं करना है, सिंपल से इस वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल शुरू से बताया कि आखिरकार फेसबुक अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब से जरूर कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही मैं नॉलेजल वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहता हूँ, जो कि आप लोग देख यार बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत कुछ की जानकारी आप लोग ले सकते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जो गूगल प्ले स्टोर है उसको ढूंढिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्ले स्टोर मेरा यहाँ पे, तो प्ले स्टोर को सबसे पहले ओपन करना और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक लिखना है। जैसा फेसबुक लिखोगे तो ये देख सकते हो फेसबुक का ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको जो डाउनलोड करके आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन ये अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो मैं ऐसे इसको अपडेट करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप फ्रेंड्स फेसबुक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोग सामने देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हो फॉरगेटन पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे अपना खुद का एक न्यू अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जस्ट आप लोग इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गेट स्टार्ट का एक बटन है, तो जस्ट आप लोग इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते करोगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। तो अगर इसी के साथ जाना चाहते हो तो इसको टच कर सकते हो, नहीं जाना तो यहाँ पे आप लोग अपना यहाँ पे नाम लिखिए, जो भी आप लोग जो है फेसबुक में अपना नाम रखना चाहते हो। तो मुझे नेम रखना है, यहाँ पे जो रखना है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ पे आप लोगों को आपका जो लास्ट नेम है, जो सर नेम है, वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड्स उस वाले डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जेंडर पूछा जाएगा कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो जो भी हो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। तो मैं मेल हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ उस पर। उसके बाद नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आपके पास जो मोबाइल नंबर है फ्रेंड्स वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और उस पर जो है एक OTP आएगा और OTP से आपका जो अकाउंट है वो वेरीफिकेशन होगा। तो यहाँ पे मैं इस पर डाल दिया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी जो है पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड जो है दिखाने के लिए आप लोगों को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो इसको आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसा आप आई एग्री पे क्लिक करते हो फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो आपका जो वेरिफिकेशन है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग जो अपने व्हाट्सअप के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप लोगों को जो बाय डिफॉल्ट कोड भेजा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे कोड भी डाल सकते हो जो आपने मोबाइल नंबर पहले डाला था। अगर आपने ईमेल आई डी डाला फ्रेंड्स तो आप लोग ईमेल आई डी से भी कर सकते हो, ईमेल पे कोड जाएगा और उस वाले कोड को डालना है और आपका अकाउंट यहाँ पे वेरिफिकेशन होके आपका प्रोसेस आगे चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो चलो मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो फेसबुक में जो हमारा यहाँ पे फोटो लगेगा वो यहाँ पे हम लोग सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से अलाव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम लोग जो परमिशन को जो भी अलाव करना मांगेगा उसको अलाव कर देंगे और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो कोई सा भी फोटो को ले लेते हैं। चलो मैं इस वाले फोटो को ले लेता हूँ और यहाँ से आप लोग जो इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ से डन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग इस तरीके से क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो आपका जो फेसबुक में जो प्रोफाइल में जो फोटो लगने वाला वो यहाँ से अभी आपका आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आ चुका है हमारा यहाँ पे फोटो और यहाँ पे सिंपल से आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप लोगों को सिटी वगैरह पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिटी वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे सिटी देवघर है तो मैं यहाँ पे देवघर लिख लेता हूँ। अगर नहीं करना है तो सिंपल से यहाँ पे आप लोग स्किप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फिर से लोकेशन के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे सिंपल से स्कूल ऐड करना तो कर सकते हो, कॉलेज ऐड करना कर सकते हो, नहीं करना है तो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग जो इस तरीके से जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कवर के लिए बोला जा रहा है, कवर फोटो अगर ऐड करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बायो में अगर आप लोगों को क्या इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो, ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो फाइनली आपका जो प्रोफाइल है फेसबुक का वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे अगर आप लोग व्यू और प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आपका जो प्रोफाइल है वो दिखाया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से यूज़ करके आप लोग जो अपना खुद का एक फेसबुक अकाउंट बना सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।